हाई ब्यूटीज, आई एम आभा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टेक वर्गी के इन दो प्रोडक्ट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और मैं भी बहुत क्यूरियस हो रही हूँ इन्हें ट्राई करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्हें रिकमेंड किया है मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया था एंड रिव्यू थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहती थी, यूज़ करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है एंड मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं, एंड देन उसके बाद में मैं अपना जेन्युइन रिव्यू आपके साथ में शेयर करूँ। ऑलराइट, तो ये इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग एंड द पैकेजिंग इज रियली प्रिटी। सो इसे मैंने purple.com से सेल के टाइम पे परचेज किया था एंड स्टेक वर्गी के प्रोडक्ट आपको एक्सक्लूसिवली purple.com पे मिल जाएंगे विद सम अमेजिंग डिस्काउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट से और ये आपको रिसीव होता है इस तरह की स्टर्डी कार्डबोर्ड आउटर बॉक्स में एंड द पैकेजिंग इज रियली इम्प्रेसिव, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो ये ड्राई कॉम्पैक्ट है एंड पैकेजिंग पर ही इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, लाइक इंग्रेडिएंट्स, प्राइस डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो डिटेल्स आप चेक कर सकते हो एंड माय शेड इज हनी आई लव यू टू, तो ये मेरा कॉम्पैक्ट में शेड है जो मैंने परचेज किया है। ऑल्सो आपको इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। तो ये है इसकी इनसाइड पैकेजिंग, ब्लैक, स्लीक एंड स्टाइलिश, ऑल्सो लाइट वेट भी है, तो काफ़ी अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। एंड इसे ओपन करो तो आपको अंदर एक मिरर भी मिलता है विच इज़ वेरी क्यूट, काफ़ी अच्छे से क्यूट से पैकेजिंग है, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एज पर इट्स प्राइस। एंड चलो अभी इसे चेक करते हैं एंड देखते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है। एंड इसमें आपको मिलता है ये एप्लीकेटर भी, तो आप इसकी हेल्प से पाउडर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो दिस कॉम्पैक्ट इज सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन में भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे ये ठीक सा लगा प्रोडक्ट। सो ये 9 grams का पैक है और इसका प्राइस है ₹249, विच इज सो रीजनेबल। एंड इसका टेक्स्चर काफी सॉफ्ट एंड सिल्की स्मूथ है, फ्रेग्रेंस भी लाइट सी इसमें दी हुई है, तो आप जब इसे अप्लाई करते हो ना तो एक शीयर सी लेयर आती है आपकी स्किन पे एंड बिल्कुल भी पाउडरी फील नहीं होता है एंड आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि आपने कोई कॉम्पैक्ट आपके फेस पे लगाया, बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है। सो इट इज शीयर, इट इज लाइट वेट एंड ऑल्सो इट इज अ एवरीडे कॉम्पैक्ट, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो एंड आई कैन से कि ये फुल कवरेज देगा, क्योंकि मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ तो बहुत ही शीयर सा लगता है, जैसे कि मैंने कुछ लगाया नहीं हो फेस पे, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स लिक्विड फाउंडेशन एंड इट कम्स इन दिस प्रिटी स्लीक ट्यूब ग्लास पैकेजिंग। पैकेजिंग अच्छी है, रेट के हिसाब से प्रीमियम लगती है। पम्प पैकेजिंग एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उतना ही फाउंडेशन इसमें से निकाल सकते हो। नाउ दिस इज एनरिच्ड विथ विटामिन ई एंड इसकी प्राइस है सिर्फ ₹165, विच इज सो अफोर्डेबल। ऑल्सो माई शेड इज सीक्रेट सैंड 1 एंड ऑल्सो आई लाइक इट्स पंच लाइन, लुक्स हॉट बट स्टोर दिस इन अ कूल प्लेस, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ इसका कैप ओपन करके देन पम्प से आप फाउंडेशन निकाल करके इसे यूज कर सकते हो। नाउ हियर आई कैन सी कि इस फाउंडेशन का जो टेक्स्चर है, जो इसकी कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ी वॉटरी है एंड ये देखो एकदम से ड्रॉप होने लग गया। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकाली थी एंड मुझे ये थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर वाला पार्ट है ना, ये मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि जो चीज़ वॉटरी है आई डोंट थिंक सो कि वो आपके फेस पे लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगी एंड आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने जब इसे फेस पे अप्लाई किया तो मुझे एकदम से लगा कि कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल शियर था एंड कुछ भी डिफरेंस भी नहीं समझ में आया। इवन वो फाउंडेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, थोड़ा भी लगा और थोड़ा सा अच्छा सा स्मूथ सा आता है टेक्स्चर एंड फेस भी काफ़ी फ्लॉलेस लगता है, वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, तो मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑल्दो अगर आप एवरीडे बेसिस पे कोई फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट, बट अगर आपको थोड़ी कवरेज चाहिए, हल्की फुल्की सी थोड़ी सी चेंजेस चाहिए आपके चेहरे पे, तो इट इज़ नॉट फॉर यू गाइज एंड इट्स बेटर कि आप कोई बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यूज़ करो, बट इसका कॉम्पैक्ट इज़ वेरी नाइस। ऑल्सो क्योंकि इसका टेक्स्चर थोड़ा सा क्रीमी है, सो आई गेस ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन को सूट नहीं करेगा। अगर आप यूज़ करते भी हो तो आपको कोई मैटिफाइंग पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा टू सेट दिस फाउंडेशन। सो फॉर मी इट्स लाइक अ टिंटेड मॉइस्चराइजर, आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर आपके फेस पे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, सो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन परचेज करना चाहते हो, सो इट इज़ नॉट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो That's it guys, I hope आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।